Good morning, my little learners. Okay, we start our day. Today's sight word is has. Today's sight word is has. Has. And sentence, Dad has a map. Dad, all of you repeat after me, baby. Dad has a map. Good. Now, today ma'am will teach you vyanjan. इन हिंदी मैम आपको आज व्यंजन करवाने जा रहे हैं। न्य कौन सा व्यंजन कराएंगे आज? न्य करवाएंगे। पहले हम पहले क से लेके झ तक का अभ्यास करेंगे और उसके बाद मैम आपको लिखित अभ्यास न्य का करवाएंगे। ओके, चलो सब मेरे साथ बोलिए। क ख बोलिए सब। ग घ ङ च छ ज झ ञ। ञ क्या होता है आपको पता है? ये कोई व्यंजन नहीं है। ञ क्या होता है? जैसे बाकी सब ये व्यंजन है, पहले मैम ने अ से लेके आपको करवाया है, वो स्वर थे, ये व्यंजन है। ञ क्या है? आधा अनुस्वर है। ञ क्या होता है? आधा अनुस्वर। ये अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ऐसे कैसे लगाया जाता है? इसको इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ञ ओके, जैसे हम बोलते चांद, ये वर्ड है चांद। ये जो ऊपर चंद्र बिंदु है, ये इस अनुस्वर का प्रयोग हमने यहां पे किया है। ठीक है, अब मैम आपको इस का लिखित अभ्यास करवाए ञ का। देखिए, आप अपनी वर्कबुक पेज या तो वर्कशीट निकाल लीजिए या अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल निकालिए और अब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे। आपने कहां से स्टार्ट करना है जल्दी से कीजिए। पेंसिल उठाइए, सेकेंड ब्लू लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे और इसको लेके आएंगे यहां तक। ओके, चलिए दूसरी नीली लाइन से शुरू करना आपने और इसको यहां तक लेके आना। ले आए, फिर हमने दोबारा से ये बनाया, यहां से शुरू किया थोड़ा सा ऊपर से और यहां ले आए। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है? इसमें थोड़ी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, लेटी हुई लाइन बनाएंगे यहां पे। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या है। आपने यहां से स्टार्ट किया और ये यहां तक लेके आए, यहां पे अपनी एक लेटी हुई लाइन बनाई, यहां पे अपने पहली नीली लाइन से लेके तीसरी नीली लाइन तक एक खड़ी रेखा बनाई। अब देखिए यहां से आपने शुरू किया, ये तो आपका पहला स्टेप था, आपको आता है यहां तक लेके जाना। ओके, अब इसमें आपने लेटी हुई रेखा बनाई, ये खड़ी हुई रेखा बना दी आपने पहली नीली लाइन से तीसरी नीली लाइन तक। अब ऊपर क्या बनाएंगे हम? फिर लेटी हुई लाइन बना देंगे और ये क्या है? छत बन गई उसकी। और ये क्या बन गए? ञ। क्या बना? ञ, आधा अनुस्वर। एक बार फिर देखिए कैसे बनाएंगे। हमने पहली जो नीली रेखा है उससे ये शुरू नहीं करना है, दूसरी नीली रेखा है जो उसके थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। ये देखिए उल्टा सी होता है जैसे, वो ऐसे ही बनाएंगे और इसको यहां तक ले आएंगे हम। थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा रखना है यहां से। ठीक है, अब ये देखिए दूसरी नीली लाइन से आपने शुरू किया थोड़ा सा ऊपर से और यहां आपने तिरछा इसको लिया है। अगला स्टेप आपका क्या था? यहाँ पे लेटी हुई रेखा बनानी है। अब ये देखिए दूसरा तीसरा स्टेप क्या है आपका? आपने इसको यहां तक लेके आए और फिर लेटी हुई रेखा बनाई, फिर हमने पहली नीली लाइन से तीसरी नीली लाइन तक एक खड़ी रेखा बना दी। अब देखिए ये हमने पहला स्टेप कर दिया, ये दूसरा कर दिया और ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप और लास्ट में हमने क्या डालनी होती है? ऊपर छत। ये देखिए क्या बन गया? ञ खाली। ये क्या है? आधा अनुस्वर। ञ खाली, आधा अनुस्वर। अब मैम आपको पूरी लाइन का अभ्यास करवा रहे हैं। ये जो हमने की है ना, च छ ज झ ञ। चलिए अब आप मैम के साथ शुरू करेंगे च।
च कहां से शुरू होता है? दूसरी नीली रेखा से हम शुरू करते हैं, पहले ये लेटी रेखा बनाते हैं, यहां से हम इसको लेके जाते हैं दूसरी रेखा तक और फिर इसकी नीली लाइन से नीचे, क्योंकि अपने लिखित अभ्यास किया हुआ है पहले। तो अब मैम आपको एक ही स्टेप में आपको पूरा बता रहे हैं। च क्या है ये? च। अगला व्यंजन है हमारा छ। छ देखिए हमने क्या बनाना है, तीन बनाना है उल्टा और फिर यहाँ पे गोला बनाना है। यहाँ पे हमने एक बीच में, साइड में नहीं, इसके दोनों गोले के बीच में हमने एक लाइन बनानी है, रेखा बनानी है और ऊपर इसके छत डाल देनी है। छ छ से छाता। अब ज बना रही है पहली नीली रेखा से तीसरी नीली रेखा तक खड़ी लाइन और फिर लेटी हुई लाइन बना के हमने इसको थोड़ा सा अंदर को लेके जाना और फिर तिरछा लेके आना है। ज से जग, ज से जहाज, पानी में जो जहाज चलता है। और अब हमने क्या करना है, ज से झाड़ू, झंडा, झगड़ा। इसी हफ्ते सिखाया था मैं हमने आपको, सोमवार को, मंडे को सिखाया था ना, झ वो वाला झ, झ से झरना। अब आज जो हमने सीखा है इस लाइन का आखिरी वो है ञ। चाहे इसको हम यहां से स्टार्ट कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये देखिए ऐसे किया और फिर इसको यहां से हम लेके आए और ये ले गए, ऐसे भी कर सकते हो आप और दूसरी तरह भी कर सकते हो, यहां से शुरू कर लो और ये ले आओ। ओके चलो एक बार फिर से लिखेंगे मेरे साथ, चलो जल्दी से लिखते हैं। च कहां रखेंगे, दूसरी नीली रेखा पे लाइन, अब फिर यहां से थोड़ा सा तिरछा लेके जाना है, ऊपर पहली नीली रेखा और नीचे तीसरी नीली रेखा पे आना है। च से चम्मच, च से चटाई, छ से छतरी। देखिए ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया है, आपने मेरे को अपना होमवर्क भेजा था, मैंने देखा आपने बहुत सुंदर सुंदर किया हुआ है। ज तो सब बच्चों का बहुत सुंदर था। ज से जहाज, झ से झरना, झ से, देखो ई तो आपको आती है और झ में और कुछ है ही नहीं खास। अब देखिए ये दूसरे स्टेप से भी कर लेते हैं हम, यहां से शुरू करो और इसको यहां ले आओ तिरछा करके, यहाँ पे सूती हुई लाइन और यहाँ पे हमने खड़ी लाइन बनाई और ये आ गया इसके ऊपर छत, निया खाली। चलिए एक बार जल्दी से बोलिए, च छ ज झ निया। अब आप सबने ये दोनों निया और पूरे पेज पे च से लेके निया तक।